हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका नागालैंड का। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, और ये एग्ज़ाम आई थिंक के कंडक्ट हुआ था 12 नवंबर 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। क्योंकि 12 तारीख को दिवाली थी, तो उस टाइम पर मैं इस पेपर का सॉल्यूशन नहीं डाल पाया था, तो आज मैं इस पेपर का सॉल्यूशन बेसिकली इनके आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस पेपर को। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पेपर में आपको देखने को मिलेंगे 1 to 200 क्वेश्चंस। इस पेपर के अंदर जो हम बात करेंगे जीएस के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे, और एप्टीट्यूड रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं स्किप कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है, देखिए सिंपल क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है क्वेश्चंस के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है, इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इलेक्ट्रिफिकेशन इन अ बॉडी टेक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। द फ्यूल यूज्ड इन द ब्रीडिंग रिएक्टर विद अ थर्मल न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम इज, दैट इज यहाँ पर रहेगा यूरेनियम, एक सेकेंड, थर्ड का ऑप्शन रहेगा, आंसर रहेगा आपका नॉट यूरेनियम, दैट इज थोरियम होगा आपका, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड बाय पायरोनोमीटर, ऑप्शन ए यहाँ पर भी हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, द लेयर ऑन द इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी चिप इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दैट इज सेमीकंडक्टर मटेरियल के बनी होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सिक्स क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डाटा इज बिट, ऑप्शन बी। ओएमआर किसका एक्रोनिम है, इसका एक्रोनिम मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। एस्टिमेटेड पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड होती है 7.4। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपका 212 फ़ारेनहाइट होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर टेंड्स टू लीन फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम द अर्थ, इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू द मून, इसका वेट जो है वो आपका चेंज होगा और उसका मास जो है वो रिमेन सेम रहेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन है, मटेरियल फ्रॉम द रेन प्रूफ कोट एंड टेंट ओ देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज टू सरफेस टेंशन, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द नॉन एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज क्यूरी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, द ऑडियो सिग्नल ऑफ टीवी आर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज्ड इन कम्युनिकेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल, लेड पेंसिल के अंदर परसेंटेज ऑफ लेड कितनी होती है, 0 होती है। इन डीप सी डाइविंग ड्राइवर यूज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड हीलियम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल ऑयल डज नॉट कंटेन एसेंशियल फैटी एसिड्स, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सनफ्लावर ऑयल, ऑप्शन ए। स्केवेंजर ऑफ अर्थ आर, दिस इज बेसिकली ये आपका फंगाई एंड बैक्टीरिया होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सो 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स दैट इज कॉल्ड एज इथाइलीन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्फीबियंस आर दोज एनिमल्स दैट लिव्स ऑन लैंड एंड वाटर बोथ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ, दैट इज यहाँ पर होगा मैग्नीशियम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ जिंदा पीर, ये कहा जाता है औरंगजेब को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ तुगलक डायनेस्टी इशूड कॉपर कॉइन इंस्टेड ऑफ सिल्वर वन, दैट इज कॉल्ड एज, ये इशू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28, कौन से सिख गुरु ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट को स्टार्ट किया था इन पंजाबी लैंग्वेज के अंदर, दैट इज गुरु अंगद, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो हु वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ INC इन द फेमस त्रिपुरी सेशन इन 1939, तो ये यहाँ पर आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी। हु वॉज द लास्ट जैन तीर्थांकर, दैट इज महावीर, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हु रोट इंडिका, इंडिका लिखी थी मेगस्थिनीस ने। हाउ मेनी तीर्थांकर प्रीच जैनिज्म, दैट इज 24, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं आगे, when the war of Tarain fought, ये आपकी 1192 में हुई थी। Who among the following founded the Independent Labour Party in 1936, that is Dr. B.R. Ambedkar, option number होगा आपका C correct answer। Whitley Commission was concerned with the labour, option C correct answer होगा। Historic Lucknow session 1916 of INC was presided by the that is अंबिका चरण मजुमदार, ऑप्शन नंबर सी होगा 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन पे। सो हु एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ INC फॉर 6 कंसेक्यूटिव इयर्स, सो यहां पर आंसर होगा अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ इन द प्लेस ऑफ बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु अनाउंस्ड क्वीन विक्टोरिया एज अ क्राउन ऑफ इंडिया, ये लॉर्ड लिटन ने अनाउंस किया था, ऑप्शन ए होगा 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बाल गंगाधर तिलक वॉज गिवन द टाइटल ऑफ लोकमान्य आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ होम रूल लीग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। द ओनली इंडियन हु वॉज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दैट इज विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। Who was the first Indian to be the member of Communist International? तो यहाँ पर आंसर होगा M.N. Roy, option A करेक्ट आंसर हो जाएगा। The resolution of Swadeshi was adopted in which session? ये आपका शुरू होता है इन द कलकत्ता सेशन के अंदर, ऑप्शन डी होगा 43 का करेक्ट आंसर। Who among the following was the Viceroy of India at the time of partition of Bengal? तो यहाँ पर जो वॉइसरॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेमस हिस्टोरियन ग्रैंड डफ गेव द टाइटल नेपोलियन ऑफ मराठा, ये किसको दिया था टाइटल, बाजीराव फर्स्ट को। द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इनटू द नागा अफेयर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नर जनरलशिप ऑफ द, यहाँ पर जो आंसर होगा 46 का करेक्ट आंसर होगा, दैट विल बी द लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, ओके, इन द अर्ली नोट ऑफ ब्रिटिश हेटीगोरिस रिफर्स टू द ट्राइब ऑफ अहोस, ऑप्शन बी यहां पर 47 का करेक्ट आंसर होगा। 48 के आंसर में मुझे डाउट है तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप करता हूं। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विच नागा ट्राइब रोट द कॉलर ऑफ वाइल्ड बोर टस्क अराउंड द नेक एंड कॉरिस कफ अराउंड द रिस्ट इंडिकेट्स द स्टैच्यू स्टेटस ऑफ हैविंग टेकन अ हेड ऑफ कॉन्याक, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन, अ न्यू सब डिविजन वॉज एडेड टू द नागा हिल डिस्ट्रिक्ट विद इट्स हेडक्वार्टर एट मोकोचुंग इन द ईयर, दैट इज इन द 1889 में ही था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51-52 में मुझे आंसर नहीं पता है प्रॉपरली, तो इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर स्किप करता हूँ अभी। ठीक है, तो 52 को स्किप करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे 53 की। तो 53 का पूछा गया है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंस्टीट्यूटेड अ कैंपेन मॉडल नागा
1879-80 टू कमेंस द बैटल ऑफ, यहाँ पर रहेगा सेग ऑफ कोहिमा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट ट्रिब्यूनल काउंसिल, प्रीकर्सर ऑफ द नागा काउंसिल, नागा नेशनल काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन अप्रैल 1945 बाय बाय द 54 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी आर पावसे। ठीक है, तो ये हो गया 54। अब 55 नंबर क्वेश्चन में भी मुझे डाउट है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुत डीप, थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़े डीप क्वेश्चन हैं स्टेट स्पेसिफिक, जिनके आंसर्स मुझे नहीं पता है, तो मैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर स्किप करता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर देखिए 56 को 55 के बाद 56 को भी मैं यहाँ पर स्किप करता हूँ। 57 की हम बात करें, इसे भी स्किप कर रहे हैं हम बात करते हैं यहाँ पर 58 की। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू विजिटेड कोहिमा विद द ब्रसल प्रीमियर थेकिनसनू वॉज ऑन, ये किस डेट में आए थे? तो ये आए थे आपके 30 मार्च 1953 को, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, 60 और 61, इन तीनों भी मुझे मुझे आंसर्स नहीं पता है प्रॉपरली, तो इसलिए मैं 61 तक के क्वेश्चंस को स्किप करता हूँ। हम बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 62 में आपसे पूछा गया है डॉक्टर इमकॉन बिला ओ द चेयरमैन ऑफ द इंटरिम बॉडी वॉज शॉट बाई एन असिसन ऑन द, तो यहाँ पर देखिए मुझे थोड़ा सा डाउट है, बट आई थिंक यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 22 अगस्त 1961। ठीक है, थोड़ा सा डाउट है बट आई थिंक मैं 50-50 कहूंगा इस क्वेश्चन में, 50% मुझे लगता है यही ऑप्शन होना चाहिए। मोंग द फेस्टिवल, ये कहाँ पर आपको संगथम ट्राइब के अंदर होता है, कितने दिनों का फेस्टिवल होता है? ये होता है 6 दिनों का फेस्टिवल। स्क्रेंजी, ये फेस्टिवल आपका जो है ये पेरिफिकेशन ऑफ द अमंगीज ही सेलिब्रेट किया जाता है 10 दिनों तक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। 65 का आंसर मुझे नहीं पता है इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ अभी। नागालैंड हैज 74 रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक्स, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। 67 का भी आंसर मुझे नहीं पता है, दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग दिस वन। 68 की बात करते हैं, देयर आर 15 गवर्नमेंट कॉलेजेस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। ठीक है, एंड ODOP मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत जो ये पेरेन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जाता है? दैट इज नागा किंग चिली, ऑप्शन ए हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर 70 एंड 71 के भी आंसर्स मुझे नहीं पता है, तो दैट्स वाई आई एम स्किपिंग दीज टू क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, कुछ जो स्टेट स्पेसिफिक थोड़े से डिटेल्ड क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया जिनके आंसर्स मुझे नहीं है पता। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे। तो हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट राज्यसभा वॉज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द नागालैंड, दैट इज खोयमो लोथा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो करेक्ट है यहाँ पर फर्स्ट गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द नागालैंड है यहाँ पर पी सिहू आओ। ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द बुक एमर्जेंस ऑफ नागालैंड ये रिटर्न लिखी गई है किसके द्वारा? ये लिखी गई है 74 की बात करें तो होकिशे सीमा के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 74, अर्बन हार्ट इज लोकेटेड इन दीमापुर टू फैसिलिटेट द मार्केटिंग ऑफ हैंडलूम एंड द हैंडीक्राफ्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालयाज आर फॉर्म्ड बाय द कोलिजन ऑफ टू टेक्टोनिक प्लेट्स, वो कौन सी प्लेट्स है? इंडियन प्लेट्स एंड यूरोशियन प्लेट्स हैं आपकी। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है बेसिकली कहा जाता है, बट इंडियन प्लेट्स यहाँ पर ऑप्शन में रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 77 के बाद हम बात करते हैं 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन की। तो 77 में बात करते हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इन इंडिया, दैट इज वेस्टर्न घाट इन इंडिया दैट इज द अन्नमुड़ी, ऑप्शन ए। लोकटक लेक कहाँ है? मणिपुर के अंदर है। सॉइल फॉर्म्ड इन द नॉर्थर्न स्टेट ऑफ इंडिया कैरेक्टराइज बाय रिच इन आयरन ऑक्साइड इज कॉल्ड एज अ लैटराइट सॉइल, विच सॉइल टाइप इज कैरेक्टराइज बाय इट्स रेडिश कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड इज ऑफन फाउंड इन पेनिनसुलर इंडिया, दैट इज कॉल्ड एज अ रेड सॉइल, यहाँ पर रहेगा आंसर।
इंडियन मॉनसून इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ विच जेट स्ट्रीम, दैट इज द सब ट्रॉपिक जेट स्ट्रीम रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विच इंडियन स्टेट हैज द हाइएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑप्शन बी होना चाहिए करेक्ट आंसर, ठीक है। द टर्म डिपेंडेंसी रेशियो रिफर्स टू द चाइल्ड टू द वर्किंग एज एडल्ट्स, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर, ठीक है। 83 के बाद हम बात करते हैं 84 की, तो यहाँ पर पूछा गया है बोध गया जो एक प्लेस है ये कहाँ पर है आपका, बिहार के अंदर है। टोडा ट्राइब ये किस प्लेस पर है, किस स्टेट के अंदर है, ये है आपका तमिलनाडु के अंदर, 85 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इंडियन स्टेट इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस लाइक कोरडम एंड ब्लैक पेपर एंड क्लोव्स, दैट इज इन केरला, ऑप्शन बी। कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स एग्रोक्लाइमेट रीजन इन इंडिया इज सिचुएटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप, सो दिस इज रिलेटेड विद द राइस एंड द कोकोनट, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम ऑफ इंडिया सिस्टम इन इंडिया इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इज डिजाइन टू सिंप्लीफाई एंड एक्सप्लाइट विच प्रोसेस ऑफ बिजनेस, दैट इज रिलेटेड विद द इम्पोर्ट रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 88 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच पॉलिसी इनिशिएटिव फोकस ऑन द प्रोमोटिंग रीजनल डेवलपमेंट ऑफ एनकरेजिंग इंडस्ट्रीज टू सेटअप द ऑपरेशन इज लेस डेवलप्ड एरियाज इन द इंडिया, दैट इज द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। द हेडक्वार्टर ऑफ SAARC कहाँ पर है आपका, काठमांडू नेपाल के अंदर है। एंड सुंदरबन इज डिक्लेयर्ड एज अ रामसर साइट इन द 91 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नहीं 2009 के 19 के अंदर हुआ था, ठीक है। 91 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2019। ओके 91 के बाद हम बात करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इट्स टोटल एरिया टोटल लैंड एरिया अमंग द फॉलोइंग, सो यहाँ पर आंसर होगा मिजोरम। कान्हा नेशनल पार्क बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, सो दिस इज रिलेटेड विद द ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी होगा 93 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 94 वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन द आपका गढ़वाल हिमालयस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लोकेटेड फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट की बात करें अलवर गोरखपुर रांची एंड भागलपुर रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू द ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फर्स्ट टाइम, किस टाइम पर ये कांग्रेस ने बोला था कि ऐसा बनना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हुआ था 1934-36 के अंदर। माउंट बैटन प्लान को किस और नाम से जाना जाता है, 3 जून प्लान के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन गिवन अ स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370, ये कब ऑपरेटिव हुआ था, तो ये ऑपरेटिव होता है 1950 के अंदर, ठीक है। 49 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था और 50 में जब संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम पर ये इंप्लीमेंट हो जाता है। राइट टू प्रॉपर्टी ये अब फंडामेंटल राइट था, उसे हटा के अब ये क्या बन गया है आपका, एक ऑर्डिनरी लीगल राइट बन गया है अंडर 300 ई के तहत। विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ ग्राम सभा ईयर फॉर द कंप्लीशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ पंचायती राज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज 2009-10। द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी बाय द 69th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली ओपन द प्रियम्बल इज नॉट अ केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, वो था आपका बेरुबेरी केस, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर क्वेश्चन। सो 103 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है स्टेट ऑफ नागालैंड वॉज फॉर्म्ड बाई टेकिंग द नागा हिल्स एंड तुसोंग एरिया आउट ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम, दैट इज इन 1963 के अंदर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा 103 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1953 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ
काका केलकर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डील्स विद द रिक्रूटमेंट एंड द ऑल इंडिया ऑल सर्विसेज मैटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा 105 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर क्वेश्चन, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, ये किसके पास है, ये पावर है पार्लियामेंट के पास में। द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी इज इनवेरिएबल फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी, सो ये होता है एस्टिमेट कमेटी, बेसिकली द कमेटी ऑन एस्टिमेट्स। इमरजेंसी प्रोविजन हमने लिया है आपका जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कौन से 5-ईयर प्लान के तहत हमने फोकस किया है इरिगेट करने को, मतलब हटाना है पुअरिटी को एज अ प्राइमरी गोल, ये आपका फिफ्थ 5-ईयर प्लान था आपका। विच इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड फॉर द गुड इन रिस्पॉन्स टू द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 110 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, 110 के बाद हम बात करते हैं 111 की। सो 111 में आपसे पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइंड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इन द इंडियन इकोनॉमी, सो ये किया था राजकृष्णन ने, ठीक है, 111 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट इज जेंडर इनइक्वलिटी रेशियो इज नॉट मेजर्ड FRBM, ठीक है, एक्ट टू इंट्रोड्यूस कंटेन, ये किस चीज से रिलेटेड है, रिलेटेड टू द फिजिकल डेफिशिएंट से है। विच ऑफ द विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड फाइनेंस टू मीट शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, दैट इज IMF, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, एम उसका क्या है, टू प्रोवाइड द क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल एंड पर्टिकुलरली फॉर गर्ल्स एंड अडल्ट्स, ऑप्शन डी यहाँ पर जो आंसर है वो मुझे ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इफ द CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो इज लोअर बाय द सेंट्रल बैंक, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अ टैक्स विच इज पेड बाय द पर्सन ऑन होम द टैक्स इज इंसिडेंट इज कॉल्ड एज अ लोकल टैक्स। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय द पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वॉज असाइंड टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर, सो ये थी आपकी मल्होत्रा कमिटी। विच डे सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल कंज्यूमर राइट डे, सो ये होता है आपका 120 की बात करें तो 24 दिसंबर। हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन, दैट इज लॉर्ड ब्रिकनहेड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अनुसुईया बेन इज एसोसिएटेड विद द दिस इज रिलेटेड विद शी इज रिलेटेड विद द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज एसोसिएटेड विद द इंडियन पीजेंट इंस्टीट्यूट, सो 123 की बात करूँ तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ पर आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, MS स्वामीनाथन। फेमस प्रॉफेट पैट्रियट नॉट ट्रेटर्स वॉज एसोसिएटेड विद द इवेंट ऑफ INA ट्रायल्स एट द रेड फोर्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 124 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। 125 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, विच फिगर वॉज एसोसिएटेड विद द रमोसी पीजेंट अपराइजिंग, सो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर नाम आएगा वासीदेव बलवंत फाड़के, ऑप्शन एक बी करेक्ट आंसर होगा। हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी। अंडर हूज लीडरशिप एन ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलरली नोन एज रेड शर्ट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, दिस विल बी द अंडर द खान अब्दुल गफार खान, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 128 नंबर, हु रेज द स्लोगन दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का जो नारा है वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी होगा 128 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 129 की बात करें, 1933 के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड बाय द महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, 129 के बाद हम बात करते हैं 130 नंबर क्वेश्चन की। सो हु कॉल्ड एज अ बारदोली डिसीजन ऑफ महात्मा गांधी एज अ नेशनल कैलमिटी, सो ये कहा था आपका
किसने, दैट इज सुभाष चंद्र बोस ने। 1921 गांधी जी लीड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट फॉर विद कंबाइंड विद द वॉज कंबाइंड विद द दिस वॉज कंबाइंड विद द खिलाफत मूवमेंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 132 विच इंसिडेंट मूव्ड गांधी जी कॉल्ड ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, दैट इज वायलेंस क्लैश बिटवीन द पीजेंट एंड एट द पुलिस स्टेशन ऑफ चेराचौरी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। हु कंपोज द हाइम्स टू बी मदर ऑफ वंदे भातरम, सो यहाँ पर रहेगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु सेंट जतिन बैनर्जी अ यंग बंगाली सोल्जर ऑफ द बड़ौदा आर्मी टू बंगाल टू एस्टेब्लिश सीक्रेट सोसाइटी, तो ये भेजा था किसने, ये भेजा था अरविंदो घोष जी ने। हु लॉन्च द वीकली इंग्लिश जर्नल कर्मयोगिन, तो ये लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा। हु इन 1905 ऑर्गेनाइज अभिनव भारत एज अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, सो दिस वॉज लॉन्च बाय द 36 की बात करें वी डी सावरकर। हु वॉज डिक्लेयर एज अ गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु, कौन थे यहाँ पर, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सॉरी 136 के बाद हम बात करते हैं 137 की। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय द गोपाल कृष्ण गोखले। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द वॉज अ गदर रिवॉल्यूशनरीज, दैट इज लाला हरदयाल। द फेमस मार्क्सिस्ट लीडर हु इन द बुक ऑफ इंडियन टुडे इंडिया टुडे क्रिटिसाइज गांधी जी वॉज अ, इसको क्रिटिसाइज करने वाले कौन थे, रजनी पाम दत्त। ऑप्शन नंबर बी होगा 140 का करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए वो वहां तक हो गए थे हमारे 140 और उसके बीच में 141 से लेके आपके 166 तक आपके जीएस एप्टीट्यूड के सॉरी रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन से जिन्हें मैंने स्किप कर दिया है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 167 की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ सिम, सिम का मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर इज अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इन इंडिया इज कॉल्ड एज अ सी ब्रेन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट वॉज इन्वेंटेड बाय द रॉबर्ट ई कैन एंड विंड सर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। व्हाट डज रंभा एलपी मेजर ऑन द मून, सो ये मेजर करता है प्लाज्मा को। इसरो इज डेवलप्ड फीमेल लुकिंग स्पेस फेयरिंग ह्यूमनॉइड रोबोट, उसका नाम क्या है, उसका नाम है व्योम मित्रा। नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाता है, कब किया जाता है, दिस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन द 23rd of August। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 173 का करेक्ट आंसर। ठीक है, 173 के बाद हम बात करते हैं 174 की तरफ। तो 174 में आपसे पूछा है हु इज द रॉकेट वुमेन बिहाइंड चंद्रयान 3 मिशन, तो वुमेन है ना, रॉकेट वुमेन, तो यहाँ पर नाम आता है ऋतु खरदी खरदियाल श्रीवास्तव का। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ इज चंद्रयान 3 डिफरेंट फ्रॉम दिस वन चंद्रयान 2, तो यहाँ पर जो है ऑर्बिटर इज मिसिंग इन दिस पर्टिकुलर चंद्रयान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176। समुद्र प्रहार इज अ वेसल ऑफ इंडियन कोस्ट, जो कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल की। ठीक है, विच कंट्री हैज द मैक्सिमम वुमेन्स इन द पार्लियामेंट, तो यहाँ पर आएगा रवांडा, ऑप्शन नंबर ए। Which country has the highest number of elderly population aged 80 and above? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग आपको जापान के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 179 नंबर क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, उसके अंतर्गत 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। वुमेन रिजर्वेशन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं है किस पर, राज्यसभा की सीट्स पर। Which site UNESCO has added recently in the 2023? That is Hoysala Temple of the Karnataka, option A correct answer होगा।
ग्लोबल अलायंस वॉज लॉन्च एट रिसेंटली G20 समिट अंडर द इंडियन लीडरशिप एट न्यू दिल्ली. ये आपका अलायंस कौन सा है? दिस वॉज द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस होता है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर. अ न्यू मेंबर वॉज एडेड इन G20, वो कौन सा मेंबर है? वो है आपका अफ्रीकन यूनियन. ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर. तो G20 से अब क्या हो गया है? G21. ठीक है, 184 की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ पर है आपसे पूछा गया व्हाट इज IMEC लॉन्च्ड रिसेंटली एट G20 समिट इन न्यू दिल्ली. सो यहाँ पर जो आंसर रहेगा ये आई थिंक कंप्लीशन रहेगा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से. कंप्लीट न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आपका रहना चाहिए. ठीक है, या फिर आपका ऑप्शन ए. ठीक है, ए या सी में कोई करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पर. ठीक है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर रहना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, द इंडियन आर्मी डेडिकेटेड भगत ब्रिज, ये आपका कहाँ पर है? दिस इज रिलेटेड इन द जम्मू एंड कश्मीर के अंदर. तरंग शक्ति ये एक्सरसाइज है एयरफोर्स की ऑफ मल्टीपल कंट्रीज की. ऑप्शन नंबर सी. हाउ मेनी कंट्रीज हैव सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून सरफेस ऑन साउथ पोल? कोई भी नहीं भाई, खाली एक भारत है इसने साउथ पोल पे लैंड किया है. ठीक है, ओके. 187 के बाद हम बात करते हैं 188 की. तो मत्स्य 600 इज सेट टू एक्सप्लोर द डेप्थ ऑफ इतना किलोमीटर फ्रॉम द ओशन. तो ये डेप्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर है डेप्थ 6 किलोमीटर की आई थिंक है ना. सॉरी 88 नंबर कर रहे हैं ना, है ना. ठीक है, 89 की बात करते हैं. तो मत्स्य 600 कैरी 3 ह्यूमन ऑन बोर्ड. ठीक है, सॉरी. हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 सितंबर को किया जाता है. विच इज द नेम ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट वॉरशिप इन द वॉरशिप सबसे बड़ा मेरे ख्याल से यहाँ पर विक्रांत होता है. यहाँ पर विक्रम लिखा हुआ है, विक्रांत मेरे ख्याल से विक्रांत है सबसे बड़ा. तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए. चैट GPT वॉज यूज फर्स्ट बाई विच ऑफ हाई कोर्ट? तो यह है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा यूज किया गया है. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कारगिल, एक यात्रा की यात्री की जुबानी? ये ऋषि राज यहाँ पर रहेगा आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 194. विच इज द हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड? दैट इज कॉल्ड एज एंजल फॉल. ठीक है, उमेनियन लेक ये आपकी कहाँ पर है? ये आपकी देखने को मिलेगी आई थिंक अरुणाचल में है. 95 का अरुणाचल की मेघालय होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑप्शन डी. लवलीना बोरगोहेन और सवेटी बोरा ये रिसेंटली न्यूज में थी. ये किस स्पोर्ट्स से संबंधित है? तो ये दोनों क्या है? बॉक्सिंग से संबंधित है. फीमेल एम्पायर जो पहली बार उन्होंने मेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट को अंपायर किया तो वो कौन है? वो किस ट्रॉफी में बेसिकली यहाँ पर रही हैं? वो रही है रणजी ट्रॉफी के अंदर. अरेंज करना है आपको अरुणाचल प्रदेश के पासेस को फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो यहाँ पर आंसर होगा 4, 1, 2, 3. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर. 98 नंबर क्वेश्चन. ओजोन होल इज मोर प्रोपाउंड इन द पोल्स पे. ऑप्शन नंबर पोल्स पर क्या है? ओजोन होल ज्यादा है. ठीक है, ज्यादा बड़ा है आपको देखने को मिलता है. लास्ट क्वेश्चन है पेपर का 200 नंबर क्वेश्चन. अंडर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम India has held open joint exhibition on silver treasure with which country? With the Denmark रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये थे हमारे पेपर का सॉल्यूशन. और ये पेपर था आपका नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत एक एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 12th of November को 2023 को, जिसके अंदर 120 क्वेश्चंस थे, सॉरी 200 क्वेश्चंस थे, नॉट 120, 200 क्वेश्चंस थे, जिसके अंदर हमने GS के क्वेश्चंस को कवर अप किया है. ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को. मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ. और इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.